मेरा नाम सरिता, मैं योग मंसा से। मेरे पास बहुत दिन से क्वेश्चन आ रहे हैं कि कुंजल क्रिया किस प्रकार करी जाती है, तो आज मैं कुंजल क्रिया की विधि बताना चाहूँगी। आपके पास एक जग होना चाहिए जिसमें कि आप हल्का गुनगुना पानी रखेंगे। आप मौसम के हिसाब से ये देखना होता है, जैसे अभी मौसम बैलेंस्ड है तो आप हल्का तेज पानी ले सकते हैं, सर्दी है तब भी, लेकिन अगर गर्मी है तो आप ल्यूकवॉर्म वाटर लेंगे। और ये ध्यान रखेंगे कि हार्ट पेशेंट और प्रेग्नेंट लेडीज़ और पीरियड्स में या हर्निया या कोई भी ऐसा कोई रीसेंट ऑपरेशन हुआ हो तो वो ये कुंजल क्रिया ना करें। बाकी कुंजल क्रिया आप कोशिश ये करें कि जैसे अभी अप्रैल का मंथ है, इसको चैत्र मास भी कहा जाता है, तो अप्रैल मई से ही स्टार्ट करें। ना तो बहुत सर्दी और ना ही बहुत एक्सट्रीम गर्मी में स्टार्ट करना चाहिए। और सुबह अगर कुंजल क्रिया करी जाए तो बेस्ट, और वैसे सुबह ही करी जाती है, बट कुछ लोग मैंने देखा है कि वो बताते हैं हम शाम को भी कर लेते हैं, तो वो रिकमेंडेड नहीं है। किसी भी हमारे ग्रंथ में या जो हठयोगप्रदीपिका है, किरण संहिता है, उनमें नहीं लिखा कि आप शाम को भी कर सकते हैं। तो कोशिश ये करें कि आप ये शोधन क्रिया है, मतलब क्लेंजिंग टेक्निक है, तो आप इसे अर्ली मॉर्निंग ही करें। खाना खाने का आपका कम से कम कुछ नहीं तो 8 से 10 घंटे का गैप होना चाहिए, ज़्यादा लेट रात को खाना नहीं खाया हो। और सुबह आपका जब आप फ्रेश होते हैं शौच वगैरह करके, सब आप जब क्लियर होते हैं पूरी तरह से, तो ही कुंजल क्रिया करनी चाहिए। और इसको करने के एकदम बाद नहीं नहाना है, कोशिश करें कि आप नहाने के बाद करें या 2 घंटे बाद नहाएं। और ये करने के लिए आपको इसमें एक पोजीशन में बैठना होता है। मैं आज सारा बताऊंगी आपको कि कैसे कैसे इसमें आपको किस पोजीशन में बैठकर पानी पीना है, कैसे पानी को निकालना है। कुंजल क्रिया का ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपके वात कफ और पित्त, जो हमारे त्रिदोष होते हैं, उसको ये बैलेंस करता है। किसी को बहुत एक्सट्रीम कॉन्स्टिपेशन रहता है, हाइपर एसिडिटी है, उसके लिए बहुत अच्छा है। और आपके इंटरनल आपके एब्डोमेन की पूरी क्लेंजिंग होती है, ये पूरा जब आप इसको पानी को वमन करते हैं, निकालते हैं, तो ये पूरा एरिया आपका क्लीन होता है, आपका अंदर का कफ भी बाहर निकलता है। जो कुछ लोगों को प्रॉब्लम रहती है कि गले में कफ जमा हुआ है या चेस्ट में कंजेशन है, तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छी क्रिया है। कोशिश करें कि इस क्रिया को करने के बाद आप कुछ भी ऐसा नहीं खाएंगे जो बहुत तेज़ मिर्ची का हो, या एकदम चाय नहीं पीनी है। जब आप कुंजल करें उस दिन आपको बहुत हल्का खाना खाना है, जैसे मूंग मसूर की दाल, खिचड़ी और दलिया, ऐसी छाछ, दूध, जूस, फ्रूट्स, ये सब चीज़ें ज़्यादा लेनी है। पतली रोटी बना सकते हैं आप, लेकिन बहुत ऐसा नहीं कि बहुत हैवी कुछ खा लें, और स्पेशली मैदा बिल्कुल नहीं। और खाने में आपको ऊपर से घी ज़रूर डालना है, जैसे खिचड़ी या जो भी आप दलिया खा रहे हैं या दाल पी रहे हैं, तो 2-3 चम्मच, 1.5 से 2 चम्मच घी ज़रूर डालें, वरना आपकी जो आंतों की सफाई तो इससे होगी, लेकिन अगर आपने खाना ठीक नहीं खाया तो प्रॉब्लम भी हो सकती है आपको, आपके इंटेस्टाइन में आपको सूख भी सकती है, क्योंकि इंटरनली हम सारा पानी निकाल रहे हैं तो पूरा सिस्टम क्लीन कर रहे हैं, तो उसके लिए लुब्रिकेशन होना आपके इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो खाना बहुत मिताहार जिसको कहा जाता है, खाना बहुत सिंपल खाएंगे, मिर्च मसाले नहीं, केवल काली मिर्च और हल्का नाम मात्र नमक यूज़ कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं कुंजल क्रिया। इससे रिलेटेड अगर कोई भी और क्वेश्चंस हो तो आप मुझे मेरी यूट्यूब इनबॉक्स में आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, या मेरा पेज है फेसबुक पे योग मंसा के नाम से, मेरी वेबसाइट है www.yogmansa.com, आप मुझे इसमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरी कॉन्टैक्ट इन्फो इन सारी जगह पर आपको मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं, हमें इसको काग आसन में बैठ कर पानी पीना होता है, जिस ये इस प्रकार होता है। बहुत लोगों को प्रॉब्लम होगी इस तरह से बैठने में, तो वो क्या कर सकते हैं, वॉल सपोर्ट ले सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने वॉल सपोर्ट लिया, आपका पोस्चर स्ट्रेट होना चाहिए। कोशिश ये करेंगे कि स्ट्रेट पोस्चर में आपको पानी पीना है, तो पानी पीना शुरू करेंगे। एक बार में पीना है पानी को, तीन उंगलियां नाभि के पास रहेगी उल्टे हाथ की, ये 3 उंगलियां आपके मुंह के अंदर जाएंगी। 90 डिग्री में आपका ये
पूरा पॉस्चर रहेगा, तीन उंगलियां पेट के ये गले तक डालना है। इस प्रकार ये पानी आपको निकालना है पूरा। मैं काफ़ी कुछ पहले भी पानी निकाल चुकी हूँ और अच्छा भी नहीं लगता कि लोग ज़्यादा पानी निकालते हुए देखें। तो ये पूरा पानी जैसे आपने देखा, ये मेरे अंदर से पूरा पानी निकला है, उससे पहले भी काफ़ी निकल चुका है। थोड़ा प्रेशर लगता है, इसीलिए हार्ट पेशेंट्स को मना किया जाता है, क्योंकि आँख से पानी किसी किसी के बहुत आता है। इससे आपका, क्योंकि मैंने इसमें ये पानी किया है, मैं दिखाना नहीं चाहूँगी। आप देख सकते हैं कि आपका वात कफ और पित्त किस कैसा है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी किसी को मैंने देखा जब करवाया है कुंजल, तो बहुत इंटरनली बहुत गंदगी निकली है, लाइक बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम कफ, और कई बार तो कुछ वाटर हल्का ब्लैकिश भी निकला है। तो दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट कि आप देखें कि आपके पानी में मतलब कितनी मात्रा है, जो भी आपके अंदर प्रॉब्लम चल रही है। वैसे मैं ये कहना चाहूँगी कि घर पे आप बहुत किसी योग इंस्ट्रक्टर के अंडर ही से करें, जस्ट बिकॉज, क्योंकि मेरे पास बहुत क्वेरीज आई इसको लेकर, तो इसलिए मैंने ये बता दिया। बट कोशिश करना है आपको कि पहले आप किसी योग शिक्षक के अंडर इस प्रैक्टिस को करें, उसके बाद ही फिर आप खुद प्रैक्टिस करें। अगर आपने करा हुआ है कभी तो आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं, नॉर्मल अगर आपको लगता है तो आप वीडियो देखकर भी कर सकते हैं, बट फिर भी मैं रिकमेंड यही करूँगी कि किसी इंस्ट्रक्टर के अंडर ही करें। हरिओम, शुभ दिन।